Hey, hi, and welcome to Kapil Ka Kitchen. Today's recipe is North Indian style, very Punjabi style, Rajma Masala. So, ये काफी सारे मेरे viewers ने demand की थी कि आप Rajma बनाना सिखाएं, वो भी North Indian style. So, this episode is for all of you. So, do watch the video till the end. So, let me show you क्या क्या ingredients चाहिए हमें Rajma बनाने के लिए. तो मैंने यहाँ 500 grams यानी कि आधा किलो Rajma जिस किडनी बीन्स मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे हैं यानी कि पूरी रात मैंने इनको भिगो कर रखा है और यू कैन सोक देम फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स. तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये राजमा ऐसे बिल्कुल फूल जाएंगे और मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर की वैरायटी यूज़ की है. बट उसके अलावा काफ़ी किस्म के राजमा जो होते हैं किडनी बीन्स अवेलेबल होते हैं. तो ये छोटे वाले राजमा ये जम्मू कश्मीर साइड के होते हैं, वेरी अप नॉर्थ, और ये कुछ उसी में बड़ी वैरायटीज अवेलेबल होती है. मैं यहाँ पे ये वाले राजमा बना रहा हूँ आज. सो स्टेप नंबर वन, जो राजमा भीगे हुए थे मैं उनको अब प्रेशर कुक करके बॉईल करूँगा. तो उसमें क्या क्या जाएगा राजमा बॉईल करने में, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो राजमा बॉईल करने के लिए सबसे पहले जो भीगे हुए राजमा थे उसमें से हम पानी निकाल के फेंक देंगे. यू हैव टू ड्रेन द वाटर आउट ऑफ सोक्ड राजमा. सो अब प्रेशर कुकर में ये हम भीगे हुए राजमा डालेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे प्लेन वाटर. यहाँ मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है, तो आप अंदाजे से पानी डालें, थोड़ा सा और पानी जाएगा इसमें. ये देखिए आप, एज यू कैन सी राजमा के अंदर मैंने ऑलमोस्ट इतना ऊपर लेवल पानी डाला है. सो मैंने इन टोटल यहाँ पे 500 ग्राम्स ऑफ राजमा लिए थे यानी कि आधा किलो राजमा. मैंने इतने राजमा के लिए फॉर अबाउट 1.5 लीटर पानी मैंने ऐड किया है. सो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्रेवी, आपको कितनी ग्रेवी पसंद है. मुझे राजमा ना बहुत ज़्यादा गाढ़े पसंद और ना बहुत ज़्यादा पतले पसंद, तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी. तो उबालने के टाइम मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगा सॉल्ट यानी कि नमक और थोड़ा सा ये जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, आधे चम्मच से भी देखिए कम बस. और उसके साथ साथ इसमें जाएंगे हमारे ये कुछ खड़े मसाले, ये 1 तेज़पत्ता यानी कि बे लीफ और ये सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, थोड़ी सी तोड़ के अबाउट 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, ये 2 अदद ये जो मैंने यहाँ पे ये बड़ी इलायची ली है बिग कार्डमम, ये एंड माय फेवरेट स्पाइस विच इज ग्रीन कार्डमम. तो मैं इसके पॉट्स निकाल के छिलके समेत मैं इसमें डाल दूंगा, 3-4 जितनी भी आप डाल सकते हैं, जैसे भी आपको फ्लेवर जितना भी पसंद हो इसका. 2 और ये गई 3 बस. तो ये सारे मसाले राजमा बॉईल करने के टाइम डालने के बाद मैं राजमा को प्रेशर कुक करूँगा फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट्स. एंड इनिशियली मैं 5 से 7 मिनट में हाई फ्लेम के ऊपर 2 से 3 विसल्स आने दूंगा. उसके बाद जब अच्छे से प्रेशर कुकर में प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा उसके बाद मैं गैस सिम पे रखूँगा यानी कि फ्लेम लो पे, एंड एट लो फ्लेम मैं फर्दर राजमा को बॉयल होने दूंगा, कुक होने दूंगा फॉर अबाउट 15 to 17 मिनट्स. तो जब तक हमारे राजमा बॉईल होकर तैयार होते हैं तब तक हम राजमा के लिए तड़का तैयार करते हैं यानी कि टेम्परिंग. तो सबसे पहले एक पतीली में आप एक काम करें, थोड़ा सा तेल ऐड करें, जिसे ऐड सम ऑयल, माय फेवरेट, ऐड लिटिल क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी, जस्ट 1 टीस्पून. तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें. उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर अबाउट 2 लार्ज साइज अनियन यानी कि प्याज, इसको मैंने पीस के रखा हुआ है, उसका पेस्ट है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा. तो हमें प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक वो लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता. एज यू कैन सी प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है. तो एट दिस स्टेज मैं इसके अंदर ऐड करूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट यानी कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच भर के, और उसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगा एसोफेटिडा यानी कि हींग.
एंड ये दो हरी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम के दाने निकाल के मैं इसके अंदर डाल दूँगा। आप चाहें तो क्रश्ड भी डाल सकते हैं जिसको इसके दाने पसंद नहीं आते, बट अगर आप क्रश्ड ग्रीन कार्डमम डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एंड में डालें जब राजमा बन जाए, क्योंकि अगर आप कार्डमम का पाउडर अभी डालेंगे तो उसका जो फ्लेवर होगा वो पूरा का पूरा फ्लेवर उसका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि मसाला जो है वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो आप हल्का सा पानी का छींटा डाल दें बस। तो राजमा भी उबल चुके हैं, हल्का सा प्रेशर है वो रिलीज कर दीजिए। एंड हम एक बार राजमा चेक कर लेते हैं वो अच्छे से बॉयल हुए हैं या नहीं। आप केयरफुली एक राजमा उठाएं इसका दाना और उसको हाथों में ऐसे दबा के देखें, देखें परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं। तो अगर आपको लगे कि इसके बीच में एक हल्की सी गुठली है या फिर हल्का सा कच्चापन है तो आप एक दो सीटी कुकर को बंद कर कर लगा सकते हैं, बट अभी राजमा बहुत अच्छे से बॉयल हुए हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टिप बताता हूँ। आपने देखा होगा कई बार तो राजमा बहुत क्रीमी बहुत ही ज़्यादा थिक ग्रेवी बनती है, पर कई कई जगह जो होता है वो बहुत वाटरी से होते हैं, पानी पानी जैसे लगते हैं। उसका मेन रीज़न होता है कि आपके राजमा जो है वो अच्छे से बॉयल नहीं हो रहे, क्योंकि राजमा के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर आता है वो खुद राजमा का आता है, और वो फ्लेवर तब ग्रेवी के अंदर आएगा जब राजमा अच्छे से बॉयल हो चुके होंगे, अच्छे से गल रहे होंगे। अगर उसके बीच में हल्की सी कसर बाकी होगी तो वो ग्रेवी के अंदर फिर वो वाटरीपन आ जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि राजमा आपके बहुत अच्छे से बॉयल होने चाहिए। तो प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक, कम ही ऐड करें बिकॉज मैंने बॉयल करने के टाइम भी नमक ऐड किया था। उसके बाद हल्दी फिर अबाउट हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, ये आप अगर कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे जाएगा ये कोरिएंडर सीड पाउडर यानी कि सूखे धनिए का पाउडर, ये मैं 2 चम्मच भर के डालूंगा। और उसके साथ साथ ये मैंने क्यूमिन सीड्स को रोस्ट करके उसको क्रश किया हुआ है यानी कि क्रश्ड जीरा है, ये जाएगा फॉर अबाउट 3/4 टीस्पून। तो मसाले जले ना तो इसलिए फटाफट ये मैंने टमाटर जो है वो 2 बड़े टमाटर मैंने पीस के रखे हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये टमेटो की जो फ्रेश प्यूरी है ये ऐड करने के बाद आपको इस मसाले को भूनना है अच्छे से मीडियम गैस के ऊपर, तब तक जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते टमाटर, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि तड़के के ऊपर तेल आ जाएगा। सो दैट इज़ द इंडिकेशन कि आपका जो तड़का है वो एब्सोल्युटली रेडी है। एज यू कैन सी जो मसाला है उसने तेल छोड़ दिया है, तो ये अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा अमचूर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर ये ऐड करूँगा। मैंने जस्ट लेस देन 1/2 टीस्पून ऐड किया है। अच्छे से भुने इसको फॉर अबाउट 1/2 मिनट मोर। बस आप ये तड़का बनाते वक्त एक चीज़ याद रखें कि पेशेंटली आपको इस मसाले को बीच बीच में स्टर करना है, बिकॉज आप सोचेंगे कि 10 मिनट हो गए भूनते हुए फिर मसाला तो जल गया हमारा नीचे से, या फ्लेवर वैसा नहीं आया है, या फिर ये तो कच्चे कच्चे से कुछ अदरक लहसुन लग रहे हैं तड़के के अंदर। सो इन सब का जो कारण होता है मेन वो यही होता है कि तड़का आपका अच्छे से भुना नहीं होता। तो थोड़ा सा पेशेंस आप दिखाएं तड़का भूनते वक्त, तो जो उसकी ग्रेवी के अंदर जो है वो ज़्यादा टेस्ट आएगा, फिर और भी ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो आगे देखें इसने अच्छे से ये तेल छोड़ दिया है मसाले ने, तड़का बिल्कुल तैयार है। अभी जो उबले हुए राजमा थे ये मैं थोड़े से राजमा लूँगा
और इसके अंदर डालूंगा थोड़े से और बस, और इसको मैं अच्छे से मैश कर लूंगा इस ग्रेवी के अंदर। और अभी जो बाकी के राजमा थे इन सबको मैं ट्रांसफर करूंगा इस पतीले में। सो अब आता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या है, ये तड़के के अंदर राजमा ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से ऐसे ही रिझने देना है, यानी कि इसको अच्छे से पकने देना है फॉर अबाउट 3 to 4 minutes, ताकि जो मसाला है वो राजमा की करी के अंदर अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। एंड मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले और ऐड करूँगा फॉर माई एक्स्ट्रा लव। सो मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा यानी कि रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर और गरम मसाला यानी कि ऑल स्पाइस मिक्स, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, तो आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं या फिर मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है। और उसके साथ मैं ऐड करूंगा एक जिंक के लिए बिल्कुल कम, देखिए इतना, आधी चम्मच से भी कम है, यह है चाट मसाला, दैट्स इट। और ग्रेवी पक रही है और मेरी फेवरेट चीज यानी कि घी मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, ये आधा चम्मच आप ले लीजिए, हाफ अ टीस्पून, दैट्स इट। नाउ मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है राजमा में से, देखिए ग्रेवी जो है वो कितनी क्रीमी बनी है, इट्स नॉट एट ऑल वाटरी। अब इसको मैं 2 to 3 minutes के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर, लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर ऐसे ही ढककर पकाऊंगा। तो राजमा बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने राजमा के ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरे धनिया से गार्निश किया है। तो टेस्टिंग टाइम, यम्मी। आप भी बनाएं ये पंजाबी राजमा घर पे, और इसका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होते हैं चावल, यानी कि स्टीम राइस या जीरा राइस या किसी भी फॉर्म में आप चावल के साथ राजमा खाएं, राजमा चावल मेड फॉर ईच अदर। सो बनाएं ये राजमा और हमें ज़रूर बताएं कि राजमा कैसे बने। और हाँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन जो है वो सब्सक्राइब बटन रेड कलर का हमारे YouTube वीडियो के ठीक नीचे दिया हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, इफ यू आर रियली लाइकिंग आवर वीडियोस शेयर करें अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो सी यू सून विद अनदर रेसिपी, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।